बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। मौसमियाती तब्दीली दुनिया पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू किया। आज दुनिया मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक इजलास हुआ। अमीन असलम ने शुरका को मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी, कौमी वाइल्ड लाइफ पॉलिसी और ग्रीन क्लाइमेट डिप्लोमेसी के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी 2021 और कौमी वाइल्ड लाइफ पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी। रूसी तैयारा साजी का फरोग, 2030 तक 700 जहाज तैयार करने का हदफ। रूस ने कहा है कि मुल्क में तैयारा साजी के फरोग के लिए इकदामात जारी हैं और 2030 तक 700 से जायद हवाई जहाज और 430 हेलीकॉप्टर तैयार करने का हदफ रखा गया है। तास न्यूज ने ट्रांसपोर्ट के नायब वजीर के हवाले से बताया है कि हुकूमत मुल्क में तैयारा साजी की सनत के फरोग के लिए कोशिश कर रही है और उनकी बढ़ती हुई तलब के बायस 2030 तक 700 से जायद जहाज और 430 हेलीकॉप्टर की तैयारी का हदफ रखा गया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात, इसराइल और अमेरिका के वज़रा खारजा के माबैन सहफरीकी मुज़ाकरात। मुत्तहिदा अरब अमीरात, इसराइल और अमेरिका की आला तरीन सफारतकारों के माबैन वाशिंगटन में सहफरीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद इसराइल और मशरक़ वस्ता की दीगर रियासतों के माबैन मामूल के तालुकात के क्याम के अमल में तोसी है। सफारती ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकरात में ईरान की वजह से पाई जाने वाली तशवीश एक अहम मौजू होगी। हौसी बागियों के सऊदी अरब पर हमलों में तेजी आ गई। हौसी बागियों की खमीस मशीद पर एक और हमले की नाकाम कोशिश। बारूदी ड्रोन को रास्ते में ही रोककर तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने सऊदी अरब पर हौसी बागियों के दो ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। इस ज़िमन में अरब इत्तेहाद के तर्जमान ने बताया है कि खमीस मशीद की तरफ भेजे जाने वाले दो बारूदी ड्रोन को रास्ते में ही रोककर तबाह कर दिया गया। हौसियों की जानब से शहरी हदाब को निशाना बनाने की तमाम तर कोशिशों में बागियों को पसपाई का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने महंगी पेट्रोलियम मसनूआत पर इन्हसार कम करने की कोशिशें शुरू कर दी। हुकूमत ने आलमी मार्केट में तेल और एलएनजी की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र तेल और गैस की तलाश में सरगर्म मकामी कंपनियों को तवानाई की पैदावार में इजाफे की हदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में खाम तेल व एलएनजी की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों के बाद हुकूमत ने मकामी तौर पर तेल और गैस और एलएनजी की पैदावार में इजाफे की हिकमत अमली अख्तियार करने का फैसला किया है ताकि दरामदाद पर इन्हसार कम करके ना सिर्फ कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सके बल्कि तवानाई की मुल्की ज़रूरियात के बड़े हिस्से को मकामी वसाइल से पूरा किया जा सके। अफगान अबूरी वजीर खारजा की दोहा में अमरीकी सफारतकारों से अहम मुलाकात। अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्की ने अमरीकी, यूरोपी और दीगर मगरबी ममालिक के नुमाइंदों से मुश्तरका मुलाकात की। तर्जमान अफगान वजारत खारजा के बयान के मुताबिक अमीर खान मुत्की ने अमरीका, यूरोप, दीगर मगरबी ममालिक के नुमाइंदगान से मुश्तरका मुलाकात की। दोहा में अमीर खान मुत्की ने अफगान सूरतेहाल और दीगर ममालिक से ताल्लुकात माशी मुश्किलात पर बातचीत की। मुलाकात में इतफाक किया गया कि गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान किसी के मफाद में नहीं। तर्जमान के मुताबिक अमीर खान मुत्की ने इंसानी अमदाद तरक्याती मनसूबों की बहाली, मौजूदा पाबंदियों पर भी गुफ्तगू की। अफगान हुकूमत को कमजोर करना किसी के मफाद में नहीं। जर्मनी ने कोलोन शहर में मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद समेत 35 मसाजिद की इंतजामिया को नमाज जुमा की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। आलमी खबर साई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के शहर कोलोन में मुस्लिम बरादरी और मकामी इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए जिसके तहत शहर की तमाम 35 मसाजिद को नमाज जुमा की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त होगी जिनमें मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद शामिल है।
हुकूमत सिंध ने 12 रबी अव्वल के मौका पर सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 रबी अव्वल 19 अक्टूबर बरोज मंगल जश्न ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सूबे भर में आम तातील होगी। ख्याल रहे कि महकमा दाखिला सिंध की जानिब से 12 रबी अव्वल के मौका पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कराची समेत सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमरीकी हुकाम काबल में अपने शहरियों से मुतल्लिक लाइलम निकले। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम की गफलत सामने आ गई। वो अफगानिस्तान में अपने शहरियों से मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात से भी लाइलम निकले। गैर मामूली रकम की इवज PIA का तैयारा बुक करवा लिया। ज़राए के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों को निकालने के लिए PIA की खिदमात और इसकी इवज कौमी एयरलाइन ने मुतल्लिका अमरीकी हुकाम से चार्टर्ड परवाज के $7,50,000 भी वसूल कर लिए। ज़राए के मुताबिक अमरीकी अदारे ने अफगान हुकाम से परवाज की इजाज़त अमरीकी शहरियों के इनखला के नाम पर ली। तहम PIA की चार्टर्ड परवाज इस्लामाबाद से काबुल के लिए रवाना हुई तो इनकशाफ हुआ कि तमाम मुसाफिर अफगान शहरी थे। अफगानिस्तान में वीमेन क्रिकेट समेत खवातीन के खेलों पर पाबंदी नहीं, तालिबान ने बड़ा ऐलान कर दिया। अफगान तालिबान ने मुल्क में वीमेन क्रिकेट समेत खवातीन के खेलों पर बाज़ाब्ता पाबंदी लगाने की तरदीद कर दी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से खेलों का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। सैकड़ों खिलाड़ी खसूसन खवातीन खिलाड़ी या तो बैरून मुल्क चले गए हैं या फिर स्पोर्ट से दूर रहकर खामोशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात मुसलसल 10वीं बार पसंदीदा ममालिक करार। अरब कौम के नौजवानों ने मुसलसल 10वें बरस भी दुनिया में मुत्तहिदा अरब अमीरात को अपने रहने के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क करार दे दिया और इसे अपनी कौम की तरह बहुत ज्यादा चाहने का इजहार किया है। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी, आइंदा साल भी महंगाई बढ़ेगी। IMF ने पाकिस्तान में 2022 के दौरान भी महंगाई बढ़ने के खतरात की घंटी बजा दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने आलमी माशी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी कर दी जिसमें तफसील से सूरत हाल का जायजा लिया गया। IMF की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल में महंगाई की शरह के 9.2% तक जाने का खदशा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कीवी हम मनसब के साथ राबते में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की वापसी का मामला उठा दिया। न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा और शाह महमूद कुरैशी का बज़रिया वीडियो लिंक राबता हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा के साथ क्रिकेट टीम की वापसी और दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का मामला उठाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि यकतरफा फैसले से दोनों ममालिक में क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई है। न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा से पाकिस्तान के साथ दो तरफा तालुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का अदा किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने अफगानिस्तान और पड़ोसी ममालिक के लिए 1 अरब यूरो के पैकेज का ऐलान कर दिया। सरबरा यूरोपीय यूनियन कमीशन का कहना है कि यूरोपीय यूनियन अफगान अमदादी पैकेज के लिए मजीद 700 मिलियन यूरो जारी करेगा। यूरोपीय अमदाद अफगानिस्तान में इंसानी समाजी व माशी जरूरियात पर खर्च होंगी। अफगानिस्तान को इंसानी समाजी व माशी तबाही से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। यूरोपीय अमदाद का कुछ हिस्सा अफगान शहरियों को पनाह देने वाले पड़ोसी ममालिक को दिया जाएगा। लंदन के मशहूर दरिया के किनारे नए साल के मौका पर आतिशबाजी का मुजाहिरा कोरोना की वजह से दूसरे साल के लिए भी मनसूख कर दिया गया। गुज़िश्ता साल कोरोना की बदतरीन सूरत हाल और लॉकडाउन की वजह से न्यू ईयर पर होने वाली आतिशबाजी मनसूख कर दी गई थी, लेकिन इस बार कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने और लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद इवेंट मनसूख कर दिया गया। पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। पाकिस्तान और ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ईरानी फोर्सेज ने 80 पाकिस्तानी शहरियों को मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार करके लेवीज इंतजामिया के हवाले कर दिया। लेवीज राय के मुताबिक शहरी बेहतर रोजगार की तलाश में ईरान से बगैर सफरी दस्तावेजात के यूरोप जा रहे थे। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।